फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा मिर्ची की रेसिपी, जिसको आप अचारी मिर्ची भी बोल सकते हो। तो ये जो स्पेशली दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, इसका स्वाद दो गुना बढ़ा देती है इस टाइप की मिर्ची जो मैं बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है लगभग 250 ग्राम मिर्ची, जो कि मेरे पास पहले से थोड़ी सी रखी हुई थी और थोड़ी सी मैंने और भी ले ली है। इनको मैंने अच्छे से पानी में वॉश कर लिया है और सूखे कपड़े में ना पोंछ लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मिर्ची को लेना है। आपको ना इसकी डंडी जो है ना नहीं निकालनी है, और ये जो पुरानी मिर्ची है तो इसमें जो ना डंडी नहीं भी होंगी कुछ में तो भी चलेगा। तो इस तरीके से हमें मिर्ची को लेना है और इसको बीच से ना इस तरीके से कट लगा देना है, इस तरीके से जिस तरीके से भरवा बनाते हैं ना, तो इस तरीके से हमें सारी मिर्ची को ना कट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपनी सारी मिर्च को ना कट कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस तरीके से हमें सारी मिर्ची में ना कट लगा लेना है और इसके बीज नहीं निकालने हैं, क्योंकि ये पकने के बाद बहुत ज्यादा तीखी नहीं लगती है ना। तो इस तरीके से हमें मिर्ची को कट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारी मिर्ची को कट कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लिया है, बीच में इस तरीके से सारी मिर्ची को ना काट लिया है बीच से इस तरीके से। तो और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है प्याज, यहाँ पे दो बड़े प्याज लिए थे और 4 से 5 यहाँ पे लहसुन की कलियां हैं। और अब हमें लेना है मिक्सी का जार, उसमें हम इस प्याज को ना डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए है सरसों, ये मेरे पास अचार वाली रखी थी, आपके पास साबुत है तो वो भी आप डाल सकते हो। और चलिए अब हम इसको पीस लेंगे फ्रेंड्स। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज जो है ना हमारा पिस चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें निकाल लेना है सारे मसाले को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है मसाले को। इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, तो इसमें 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर। और अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक हम ये यहाँ पे ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और अब हम इन सारी चीजों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले जो है ना अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हमें इस तरीके से मिर्च को लेना है और ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा है ना, इसको इस तरीके से लेना है और हाथों की हेल्प से ना इसको भर देना है इस तरीके से, पूरी मिर्च में अच्छे से भर देना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो मैंने पूरी मिर्च में ना अच्छे से भर दिया है। तो बस इसी तरीके से हम सारी मिर्च को ना फिल कर देंगे मसालों में इस तरीके से, सारी मिर्च को फिल कर देना है इस तरीके से। हमें मिर्च को लेना है और मसाले को हम भर देंगे। तो चलिए मिर्च को हम इस तरीके से भर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारी मिर्ची को फिल कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच लगभग मसाला बच गया, तो इसके ऊपर हम इस तरीके से ना डाल देंगे इसको। और बाद में जो मसाला एक्स्ट्रा रहता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए से मैंने थोड़ा सा ना ज्यादा ही बनाया था। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही लेना है और इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, तेल यहाँ पे बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें लगभग डालेंगे हम 1/4 चम्मच हींग और इसको अच्छे से ना भून लेंगे थोड़ा सा मिक्स करके। और अब हमने जो मिर्च तैयार करके रखी थी ना, उसको हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से डालना है और इसको हमें कवर कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको एक बार खोल के ना मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमें खोल देना है और इसको हम मिक्स कर देंगे, जो मसाला था ना इसके साथ में। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। और मिक्स करके फिर से हम कवर कर देंगे इस तरीके से, हमें कवर कर देना है और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे इसे। और फ्रेंड्स, अगर हमें आगे जरूरत पड़ी ना तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी का भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम मिर्च को चला देंगे तो देखते हैं कैसी हुई है हमारी मिर्च जो है ना, कैसी हुई है इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ना बिल्कुल भी पानी नहीं है और बिल्कुल चली भी नहीं है।
इसी तरीके से हमें पका लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिर्ची में ना पानी नहीं है, काफी ड्राई है, तो इसमें आप पानी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं भी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं इसको 5 मिनट और पका लेना है, जो कि ये अच्छे से ना पक जाएगी। तो चलिए फिर से हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिर्च जो है ना बहुत अच्छे से पक चुकी है, और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी मिर्च जो है ना बनके तैयार हुई है मसालेदार। तो चलिए हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चटपटी सी मिर्च जो है ना बनके तैयार है, अचारी मिर्च या मसालेदार कोई भी बोल सकते हैं आप। तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, इतनी टेस्टी लगती है ये खाने के ना, स्वाद को 2 गुना बढ़ा देती है। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।